सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्सरसाइज टू एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स क्या होता है पहले बेसिकली देख लो. जैसे एक नंबर है ए अपॉन बी, उसकी पावर में कुछ भी है, टू है, थ्री है, फाइव है, या कुछ भी और है, माइनस थ्री है, माइनस टू है, इन पावर्स को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. ये पावर है एक्सपोनेंट, इनको ही एक्सपोनेंट बोलते हैं. दीज आर एक्सपोनेंट्स. तो ए बाई बी की एक्सपोनेंट्स क्या है? या तो टू है, या थ्री है, फाइव है, माइनस थ्री, माइनस टू. अब इन एक्सपोनेंट को सोल्व करने का क्या तरीका, पहले वो देखो एक बार अच्छे से. पॉइंट नंबर वन तो ये हो गया. अब पॉइंट नंबर टू देखो मेरा. पॉइंट नंबर टू सोल्व कैसे करते हैं? जैसे कंसिडर करो कि ए अपॉन बी की पावर कुछ है एन, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व करने का तरीका यही है, ए अपॉन बी को एन टाइम मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चलो. ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई एन टाइम्स. अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अगर टू है तो टू टाइम लिखना, वन है तो वन टाइम ही लिखना, एन थ्री है तो थ्री टाइम लिखना, फोर है तो फोर टाइम लिखना. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका. जैसे टू अपॉन माइनस थ्री की पावर है टू. अंदर वाले को कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऊपर देखना है पावर कितनी है, टू, तो टू टाइम लिख दो इसको एज इट इज. टू अपॉन माइनस थ्री अपॉन इन मल्टीप्लाइड बाई टू अपॉन माइनस थ्री, दैट्स ऑल. प्लस में होता तो प्लस में लिख देते, अगर टू माइनस में होता तो इसको भी माइनस में लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. अब क्या होता है, एक चीज और, पॉइंट नंबर थ्री देखो. अगर ए अपॉन बी की पावर माइनस में है तो क्या करोगे? माइनस एन है, तो इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, बी अपॉन ए टू द पावर प्लस एन. मतलब माइनस में हो तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने का यही तरीका है कि अंदर वाला जो नंबर है, जो इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर, बेस और पावर, पावर या एक्सपोनेंट, तो इस बेस को रेसिप्रोकल कर दो, ए अपॉन बी को बी अपॉन ए कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो. इसका भी एक एग्जांपल देख लो. जैसे 2 अपॉन माइनस फाइव की पावर माइनस टू है, तो इसको प्लस टू बनाने का तरीका है, रेसिप्रोकल कर दो, तो माइनस फाइव अपॉन टू टू दी पावर टू. माइनस फाइव अपॉन माइनस फाइव, और ये टू नीचे, और ये माइनस टू प्लस टू में कन्वर्ट हो गया. यहाँ अगर यहाँ थ्री होती है माइनस थ्री, तो यहाँ प्लस थ्री हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको रेसिप्रोकल कर दो, पावर प्लस में हो जाएगी. अब इस प्लस में पावर को सोल्व करने का तरीका, पावर कितनी है? थ्री, तो इसको थ्री टाइम लिखेंगे. माइनस फाइव अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस फाइव अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस फाइव अपॉन टू, दैट्स ऑल. ठीक है. एक और चीज़ देख लो, पॉइंट नंबर फोर. अब जैसे एक नंबर है ए अपॉन बी टू द पावर एन है, मल्टीप्लाइड बाई है ए अपॉन बी टू द पावर एन एम है. दोनों ए अपॉन बी है, इसकी पावर टू है, इसकी पावर थ्री है, इसकी पावर फाइव है, इसकी पावर सेवन है, इसकी पावर टू है, इसकी पावर माइनस नाइन है, कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट है, या सेम सेम भी हो सकता है. हो सकता है ए अपॉन बी की पावर यहाँ पे भी टू हो, यहाँ पे भी टू, कुछ भी हो सकता है. तो अगर दो ऐसे नंबर दे रहे हो जिनका बेस सेम हो और पावर कुछ हो, तो उनको सोल्व करने का क्या तरीका है? उनको सोल्व करने का ही तरीका, अगर बेस सेम है तो यहाँ पे भी बेस सेम लिख दो, और मल्टीप्लाई है बीच में, तो इन दोनों को पावर को ऐड कर दो, तो एन प्लस एम. ये फॉर्मूला है, याद रखना है इसको. ये सारे फॉर्मूले हैं स्टार वाले, पॉइंट वाले. ओके, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन. इसको थोड़ा सा ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन बी डॉट 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 एन टाइम्स. आप देखो इधर से वापस, उसका एक एग्जांपल ले रहे थे अपन. एग्जांपल जैसे टू अपॉन थ्री टू द पावर फाइव है, एक के दे दिया टू अपॉन थ्री टू द पावर सेवन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टू अपॉन थ्री टू द पावर, बेस सेम है तो पावर क्या होती है? एड हो जाती है, एन प्लस एम, तो यहाँ पर फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व हो जाएगा, दैट्स ऑल. कभी कभी पावर माइनस में भी हो सकती है, जैसे टू अपॉन माइनस थ्री टू द पावर फाइव या माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू अपॉन माइनस थ्री टू द पावर सेवन, ऐसा कुछ हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस सेम है क्या? टू अपॉन माइनस थ्री, टू अपॉन माइनस थ्री, बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी, तो बेस एज इट इज लिख दो, और पावर एड का मतलब हो गया माइनस फाइव प्लस सेवन, माइनस फाइव प्लस सेवन, एज इट इज लिख दिया, माइनस फाइव को माइनस फाइव, सेवन को सेवन, बीच में प्लस लगा दिया, क्योंकि इन दोनों पावर को बीच में प्लस लगाना, एड करना, तो फाइनल आंसर विल बी टू अपॉन माइनस थ्री टू द पावर माइनस फाइव प्लस सेवन, तो प्लस के टू आ जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, और बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा, बड़ा वाला नंबर सेवन है, सेवन का साइन प्लस लग गया, दैट्स ऑल. एक और चीज़ देखो, पॉइंट नंबर फाइव देखो. अगर मल्टीप्लाई है तो पावर एड हो जाएगी, अगर डिवाइड है तो पावर सबसेट हो जाएगी.
तो डिवाइड करके भी देता देता हूँ, a अपॉन बी टू द पावर n है डिवाइड बाई a अपॉन बी टू द पावर m है, तो डिवाइड है और बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट होगी, तो a अपॉन बी टू द पावर n माइनस m, तो फर्स्ट पावर में सेकंड पावर माइनस कर दो, लेट्स ऑल। इसका भी एक एग्जांपल लेके देख लो पहले, 2 अपॉन या चलो 7 अपॉन 8 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 7 अपॉन 8 टू द पावर माइनस 5, ऐसा कुछ है। तो क्या करेंगे, पावर को माइनस करना है, तो बेस सेम है तो बेस वापस सेम ही आएगा 7/8, यहाँ बेस सेम है तो बेस सेम ही आएगा और पावर माइनस हो जाएगी, तो फर्स्ट में सेकंड माइनस फर्स्ट 3 माइनस फॉर्मूले का आया और सेकंड m, m की वैल्यू कितनी -5, तो -5 रख दिया। अगर यहाँ +5 होता तो +5 एजी टी रख देते, 3 -5 आ जाता उस वाले केस में। अब यह -5 है, 3 ऑफ माइनस और -5 आ गया, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 7/8 टू द पावर 3 -माइनस प्लस 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो 7/8 टू द पावर 8 आंसर आ जाए, लेट्स ऑल। इस तरह से एक लास्ट पॉइंट है मेरा, पॉइंट 6, वो देख लो, a अपॉन b टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है ना तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, चाहे कुछ भी नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में। जैसे एग्जांपल देखो इसके, -2 अपॉन 3 टू द पावर 0 है उसका आंसर भी 1, 3 अपॉन 5 की पावर 0 है उसका आंसर भी 1, 1 की पावर 0 है उसका आंसर भी 1, बस 0 की पावर 0 है उसका आंसर 1 नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड होता है, बाकी किसी भी नंबर की पावर 0 का आंसर जो है वो 1 होता है, दैट्स ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं, इवेल्यूएट, वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबकी। फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका 4 टू द पावर -3, सेकंड पार्ट दे रखा इसका 1/2 टू द पावर -5, थर्ड पार्ट दे रखा है इसका 4/3 टू द पावर -3, दैट्स ऑल। बस इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं भले, -2/3 टू द पावर -5, यस, इनको सोल्व करना है, लेट्स सी, देखते हैं। पावर माइनस में हो तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और पावर प्लस में कर देते हैं, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर -3, तो इसको सोल्व करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4 टू द पावर, पावर किस में हो जाएगी +3, दैट्स ऑल। इवेल्यूएट मतलब इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो वैल्यू निकाल देते हैं, पावर 3 है तो इसका मतलब 3 टाइम लिखेंगे 1/4 को, तो 1/4 को मल्टीप्लाई में 3 टाइम लिख दिया। अब कुछ नहीं, कैंसिल वैंसल नहीं हो रहा, जब कैंसिल हो रहा हो तो कर लेना चाहिए, नहीं हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, 1 1 1 1 1 1, फाइनल आंसर 1, 4 4 16, 16 4 64, तो 1/64 विल बी योर आंसर। इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट का, सेकेंड पार्ट का क्या, 1/2 है तो 1/2 की पावर -5 है, तो माइनस में है पावर तो प्लस में करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 2/1 हो जाएगा, 2/1 टू द पावर +5। अब 2/1 को 5 टाइम लिखेंगे, लिखो 2/5, 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2/1, सो द फाइनल आंसर विल बी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, अपॉन इन सब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 32 को 1 से डिवाइड कराओगे तो भी 32 का 32 ही आंसर आएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 32। इसको देखो सेम केस है, पावर माइनस में तो इसको प्लस में कर देंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/4 टू द पावर 3 पावर हो गई, 3/4 हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, पावर प्लस में होगी। अब 3/4 को 3 टाइम लिख दो, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, सबको ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 3 27, अपॉन 4 4 16, 16 4 64, 27 अपॉन 64 विल बी आंसर। लास्ट पार्ट फोर्थ देखो,
पहले माइनस में पावर प्लस में करते हैं तो रेसिप्रोकल 3/-2। अंदर वाले को रेसिप्रोकल करना, अंदर वाले की साइन चेंज नहीं करना है, केवल पावर का साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। अंदर वाला एज इट इज रहेगा, पावर -5 थी +5 होगी। अब इसको 5 टाइम लिख दो, 3/-2 मल्टीप्लाइड बाई 3/-2 मल्टीप्लाइड बाई 3/-2 मल्टीप्लाइड बाई 3/-2 एंड लास्ट वन मल्टीप्लाइड बाई 3/-2। दैट्स ऑल, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, आंसर विल बी 3 3 9 9 3 27 23 27 3 81 81 3 243 अपॉन 4 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32। अब साइन का देख लेते हैं, साइन का क्या है, ऊपर वाले में तो कोई साइन नहीं है, सारे प्लस है। नीचे हम देखो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर इन दोनों का जो प्लस है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस वापस माइनस, फिर इन तीनों का जो माइनस है वो वापस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, फिर जो प्लस आया वो वापस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस, फाइनल आंसर विल बी माइनस। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो एक चीज़ और है, नंबर ऑफ साइन गिन लो माइनस के। अगर नंबर ऑफ साइन, नंबर ऑफ माइनस साइन, माइनस नेगेटिव साइन, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और ओड हो तो आंसर नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। यानी 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 ओड है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये भी ई वैल्यूएट ही है। फाइव बाई 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 to the power 2 फर्स्ट पार्ट है। ओके, सेकंड पार्ट देखो, 5/6 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 to the power -4। थर्ड पार्ट देखो, 2/-2/3 to the power -3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 to the power -2। फोर्थ पार्ट होमवर्क है, इन तीनों पार्ट को देख लेते हैं, इनके सॉल्यूशन। अब देखो 5/3 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होने पे ऐड होती है, मैंने पॉइंट बता दिए हैं, तो मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 5/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2+2 मीन्स 5/3 to the power 4। इवैल्यूएट करना मतलब वैल्यू भी निकालनी है, तो 5/3 to the power जो 4 आई है उसको माइनस, मतलब 5/3 को 4 टाइम लिखना, लिखो सोल्व कर दो। मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 = 25, 25/5 = 125, 125/5 = 625, 3/3 = 9, 9/3 = 27, 27/3 = 81। इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखो, बेस सेम है 5/6 5/6 तो पावर एड हो जाएगी। पावर माइनस में प्लस में इसकी टेंशन मत करो, तुम एड तो करो, एक बार लिखो तो सही। तो 5/6 to the power 6 प्लस ए प्लस बी, बी की वैल्यू ये रही -4, या एम प्लस एन, एन प्लस एम, एन की वैल्यू 6 है, एम की वैल्यू ये रही, और बीच में प्लस एन प्लस एम। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 5/6 to the power 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब फाइनली माइनस ही आएगा इन दोनों का साइन। तो 6-4 कितना हो जाएगा, 2। दैट्स ऑल, 5/6 2 टाइम लिख देंगे, 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6, तो आंसर विल बी 25/36। मल्टीप्लाई कर लेना, इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखो पार्ट थर्ड, इसमें भी यही है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। तो 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, ए एन प्लस एम, एन की जगह ये रहा प्लस एम की जगह ये रहा, सोल्व कर लेते हैं। सो 2/3 to the power -3 एज इट इज, और प्लस माइनस माइनस 2, सो द आंसर विल बी 2/3 to the power -3 -2 -5 हो जाएगा। अब माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पावर को बताओ, रेसिप्रोकल करके करते हैं, भी बताया था मैंने पॉइंट, तो इनको रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 2/3 को 3/2 की पावर प्लस 5 हो जाएगी। अब 3/2 को 5 टाइम्स लिखना है, लिखते हैं। सो द 3/2 को 5 टाइम, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 एंड लास्ट वन मल्टीप्लाइड बाई 3/2। द आंसर विल बी 3 3 9 9 3 27 27 3 27 3
81 और 81 3 243, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, it will be your answer. That's all. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी इवेल्युएट पार्ट फर्स्ट देखेंगे, 5/9 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 टू द पावर 0. यस, इस टाइप का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले बेस सेम इन दोनों का है, बट ये तो अपने को पता है कि किसी भी पावर की, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर कितना होता है, 1. ए बाई बी टू द पावर 0, 1, तो ये तो 1 हो गया. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, आगे से चलते हैं. पहले पावर माइनस में है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 9/5 टू द पावर +2. इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि पावर माइनस में है तो प्लस में करनी है, 5/3 टू द पावर 3, और इसकी वैल्यू तो 1 ही है. ऐसा साइड में लिख देंगे कि a अपॉन b टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 और a अपॉन b टू द पावर -n इक्वल्स टू b अपॉन a टू द पावर +n. पावर माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका, ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए साइड में. ओके, अब कुछ नहीं, पावर 2 है तो 2 टाइम लिखो, 9/5 को 2 टाइम, क्योंकि इवेल्युएट करना है आपको, इवेल्युएट 5/3 को 3 टाइम्स. 1 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ 1 ही आता है. ठीक है, अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो. यस, 3 1 3 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 3 3 3 9, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल. अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, दैट्स ऑल. तो द फाइनल आंसर विल बी 3 ऊपर है और 5 ऊपर है, 3 5 15, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 1 1 बचे, 1 का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि 1 से किसी नंबर को डिवाइड कराते आंसर वही आता है. तो द 15 विल बी द आंसर. ओके, पार्ट 2 सिंपल है, पार्ट 3 बता देता हूँ. देखो, वैसे तो पार्ट 3 भी सिंपल ही है बट इट्स ओके. 2/3 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 टू द पावर 3 टू द पावर -2. इनका तो बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई है. तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं -2 टू द पावर ए एन प्लस एम. सो -2/3 टू द पावर -3 प्लस माइनस -2 मीन्स -2/3 टू द पावर -3 और -2 -5 हो जाएगा. अब इसको सोल्व करने का तरीका, माइनस पावर में है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. सो द 3/-2 टू द पावर +5 हो जाएगी. फिर इसको 3/-2 को 5 टाइम लिखेंगे, लिखो 3/-2 एंड 3/-2 एंड लास्ट वन 3/-2, 1 2 3 4 5 टाइम्स. अब इसको सोल्व कर देंगे, कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 9 27 81 243 अपॉन 4 8 16 32. साइन के लिए मैंने बताया था, साइन गिन, नंबर गिन लो इनके नेगेटिव साइन के, तो 1 2 3 4 5 5 नेगेटिव साइन है, 5 इज ओड और इवन, ओड सो द आंसर विल बी इन नेगेटिव. ओड है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव. पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 में पार्ट 2 देखो, इवेल्युएट ही करना पार्ट 4 का. पार्ट 2 -1/3 टू द पावर 2 टू द पावर -2 टू द पावर -1. सोल्व करते हैं इसको, देखो कैसे सोल्व करेंगे. कुछ नहीं करना, पहले अंदर वाले ब्रैकेट से सोल्व करो, बाहर नहीं, पहले छोटे वाले ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट. ओके, तो पहले अंदर वाले ब्रैकेट, बाकी सब तो एज इट इज बना लो. अंदर वाले ब्रैकेट में क्या है,
पावर टू है तो पहले इसको सोल्व कर देंगे, पावर टू प्लस में ही है, माइनस में तो है नहीं, तो प्लस में है तो डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे, इसको टू टाइम लिखेंगे, तो माइनस वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन बाई थ्री। बाकी ये टू को टू टाइम लिख दिया पावर को, इसको ये तो सोल्व लिख दिया अपन ने, ये तो सोल्व हो गया, बाकी जो पावर है वो एज इट इज लिख दो, क्योंकि ये पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको तो लिख दिया अपन ने टू टाइम्स, दैट्स ऑल। अब देखो आगे इसको सोल्व करते हैं, तो वन वन जे वन, थ्री थ्री जे नाइन, और माइनस पावर की माइनस साइन कितने, दो हैं तो दो इवन है, इवन है तो प्लस में ही आंसर आएगा, प्लस को लिखते ही नहीं है कि पावर माइनस टू और माइनस वन। अब वन बाई नाइन की पावर माइनस टू बचा, तो पावर माइनस में टू है, अंदर सोल्व करने के बाद माइनस टू है, तो इसको प्लस बनाएंगे, तो प्लस कैसे बनाएंगे, अंदर वाले को रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसके बाद में जस्ट यहाँ से तो वन बाई नाइन को लिख देंगे नाइन बाई वन की पावर माइनस टू की जगह प्लस टू हो जाएगा, ये वाला माइनस वन तो एज इट इज रहेगा। अभी के लिए इस माइनस से इसको रेसिप्रोकल किया है, पहले अंदर वाले को सोल्व करते हैं, फिर उसके वाले को ऐसे सोल्व करते हैं, तो ये वाला सोल्व हो चुका है, अब ये वाला सोल्व कर रहे हैं, तो इस माइनस को पहले प्लस बना रहा है, प्लस बनाने क्या तरीका, अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दिया नाइन बाई वन, अब वापस नाइन बाई वन को टू टाइम लिख के सोल्व करना, करेंगे सोल्व, सो नाइन बाई वन मल्टीप्लाइड बाई नाइन बाई वन, दो टाइम लिख दिया, अब ये भी सोल्व हो चुका, बस बाकी जो पावर बची है वो वाली सोल्व नहीं हुई, दैट सोल्व। तो नाइन नाइन जे एटी वन अपॉन वन, वन वन जे वन टू द पावर माइनस वन बचा, माइनस वन है तो इसको प्लस वन कैसे बनाएंगे, रेसिप्रोकल करके, सो दे 80 बाई 1 है तो 1 बाई 81 हो जाएगा, टू द पावर माइनस वन की जगह प्लस वन, प्लस वन मतलब इसको अब 1 बाई 81 को वन टाइम ही लिखना, मीन्स वन टाइम मतलब 1 बाई 81 ही आंसर है, फाइनल आंसर। देख लो इसको अच्छे से, पहले अंदर के छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर बड़े वाले, फिर मिडिल ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को, ऐसे एक्सपोनेंशियली ऑर्डर से चलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट टू भी देख, पार्ट थर्ड वो देख लो, भले से तो सिंपल है बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। थ्री बाई टू टू दी पावर माइनस टू टू दी पावर टू, कुछ नहीं, पहले माइनस टू को प्लस टू बनाएंगे, तो थ्री बाई टू को रेसिप्रोकल करके टू बाई थ्री की पावर प्लस टू कर देंगे, इस माइनस टू को प्लस टू बनाने क्या तरीका, अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर दिया, बाकी सेम टू सेम लिखते चलो स्टेप, बाकी ये कुछ भी को चेंज मत करो। अब पावर टू है तो टू टाइम लिख देंगे, टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू बाई थ्री, पावर टू टाइम लिख दिया, तो ये पूरा सोल्व हो चुका है, ये बाकी बचा हुआ ब्रैकेट ऑफ की पावर टू, अब क्या है लास्ट, टू टू जे फोर, थ्री थ्री जे नाइन की पावर टू बची हुई है, फोर बाई नाइन को टू टाइम लिखना है, लिखते हैं चलो आगे से, तो फोर बाई नाइन मल्टीप्लाइड बाई फोर बाई नाइन, डायरेक्ट टू टाइम लिख दिया, तो ये पावर भी लिख दिया, अब सोल्व कर दो, फोर फोर जे सिक्सटीन, नाइन नाइन जे एटी वन, 16 upon 81 will be answer. Question number 5. थोड़ा tough है, important question है. 1 by 3 to the power minus 3 minus 1 by 2 to the power minus 3 divide by 1 by 4 to the power minus 3. इसको सोल्व करना है, देखो सर करते हैं सोल्व, सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं, पहले अंदर छोटे वाले ब्रैकेट, छोटे वाले ब्रैकेट में पावर माइनस में, तो इनको पहले प्लस में लाता है, सॉल्यूशन देखो अच्छे से, बाकी एज इट इज लिखो करो, बाकी को चेंज मत किया करो, लिखा करो उसको भी, लिखते नहीं बच्चे, सो ये हो जाएगा 3 बाई 1 टू दी पावर माइनस 3 को प्लस 3 कर दिया, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया, इसको भी 2 बाई 1 टू दी पावर माइनस 3 को प्लस 3 कर दिया, डिवाइड बाई 1 बाई 4 को भी मैंने कर दिया 4 बाई 1 टू दी पावर प्लस 3, जितनी भी माइनस में पावर थी उन सबको प्लस में कर दिया, दैट्स ऑल। अब क्या करेंगे, अब सोल्व करते हैं, अब 3 बाई 1 को, 3 बाई 1 मतलब 3 ही है बेसिकली, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 आता है, तो 3 को बेसिकली 3 टाइम लिखना, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया, थ्री टाइम्स माइनस लगा दिया, अब टू को यहाँ थ्री टाइम लिखना है, टू इंटू टू इंटू टू, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, फोर को थ्री टाइम लिखना, फोर इंटू फोर इंटू फोर, डिवाइड है ये सारे, है ना,
अब क्या करेंगे, 3 3 9, 9 3 27 बचा, माइनस 2 2 4, 4 2 8 डिवाइड बाई 4 4 16, 16 4 64, अब क्या करोगे, 27 में से 8 माइनस होगा, ये 8 है तो कितना आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई 64, यही आंसर है, 19 डिवाइडेड बाई 64, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही आंसर करेक्ट है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का है, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको फिर उसको देखेंगे। तो माइनस में पावर है तो रेसिप्रोकल 3/4 टू द पावर प्लस 5 प्लस 1, इसको भी 4/1 टू द पावर 1 ब्रैकेट, इसको भी एज इट इज। पहले जो ब्रैकेट है पहले छोटे छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर बड़े वाले ब्रैकेट की पावर को सोल्व करना, अब बड़े वाले ब्रैकेट की पावर को बाद में सोल्व करेंगे, पहले छोटे छोटे वाले ब्रैकेट की, पहले छोटे वाले ब्रैकेट को पहले इजीली सोल्व करेंगे, 3/4 को 1 टाइम तो 3/4 ही लिखेंगे, 4/1 को 1 टाइम मतलब 4/1 ही लिखेंगे कि पावर माइनस 1। अब ये पावर इसको रेसिप्रोकल तब तक नहीं करेंगे जब तक ये पूरा एक टर्म नहीं बन जाता, एक टर्म बनेंगे तभी तो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बनाएंगे। जैसे ये पावर माइनस में थी तो इसके अंदर एक ही टर्म है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ अब इसकी पावर के जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक टर्म नहीं है, तो पहले एक टर्म बनाएंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लेते हैं 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 1 1 इंटू 3 3, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, 4 इंटू 4 16 टू द पावर माइनस 1। आगे देखते हैं यहाँ से 3 माइनस 16 कितना जाएगा, -13 अपॉन 4 टू द पावर माइनस 1। अब एक नंबर में कन्वर्ट हुआ, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो फाइनल आंसर विल बी 4 अपॉन -13 टू द पावर 1, प्लस में आ गया, प्लस 1 मतलब 1 टाइम ही लिखना, मतलब 4/-13, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे आंसर करेक्ट हैं, तीनों के तीनों आंसर करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 evaluate 5 to the power -1 multiplied by 3 to the power -1 bracket of power माइनस 1 divided by 6 to the power -1 और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज, इस तरह से कुछ दे रखा। पहले इसको सोल्व करते हैं, 5 to the power -1 है, इसके अपॉन कुछ नहीं 1 है, इसके अपॉन कुछ नहीं 1 है, ऐसा है कुल मिलाकर, है ना। तो इसको ले आए देख सकते हैं 1/5 to the power 1 multiplied by 1/3 to the power 1, इन दोनों की पावर माइनस में कर दी, ये ब्रैकेट है ऐसा वाला ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट ये रहा, और इस ब्रैकेट की बाद में भी पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 6 to the power -1, इसको भी अब इसके अपॉन में 1 कंसिडर कर लिया, हो गया 1/6 to the power -1। अब क्या करेंगे देखो कुछ करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं, पावर 1 1 है मतलब 1 1 टाइम ही लिखना, तो ये 1 1 टाइम लिखा हुआ है पहले से, 1 1 जब 1 5 3 15, इसकी पूरे की पावर जो है ये ब्रैकेट में है, इसकी पावर माइनस 1 है डिवाइड बाई 1/6, इसकी पावर तो प्लस 1 हो जाएगी, अब रेसिप्रोकल कर दिया तो प्लस 1 हो जाएगी ना, तो ये 1/6 to the power +1 ही है, 1 मतलब 1 टाइम ही है, 1 टाइम लिख रखा है ऐसे ही, पावर माइनस में तो इसको वापस रेसिप्रोकल करेंगे तो 15/1 to the power +1 डिवाइड बाई 1/6, इस तरह का क्वेश्चन बचा है। अब डिवीजन को कैसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बनाते हैं और आगे वाले नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, तो लेट्स सी, तो 15 एज इट इज डिवीजन को मल्टीप्लाई बना दिया और 1/6 को 6/1 लिख दिया, सो द फाइनल आंसर विल बी 90, 15 6 90, अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं है। तो डिवीजन को सोल्व करने का यही तरीका है, डिवीजन को मल्टीप्लाई बना दो और डिवीजन के आगे जो टर्म है उसको रेसिप्रोकल।